क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या कर रखा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है इस तरीके का, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 500 मीटर, मतलब ये दे रखी है 500 मीटर, और ब्रेथ इसकी दे रखी है कितनी 300 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट है हमारे पास, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सेकंड वाला है इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वाला देखते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो यहां पे एल क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कितनी है 500 मीटर, और बी कितनी है ब्रेथ, ये कितनी है 300 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 150,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्या दे रखा है, हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है इस लैंड की, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर को लैंड कॉस्ट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट है हमारे पास 10,000 रुपीज, ठीक है। तो 4,150,000 कितने का होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 1,50,000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितने रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हूज पेरिमीटर इज 320 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर पार्क देता है इस टाइप का, ठीक है, जिसका पेरिमीटर हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पेरिमीटर गिवन है 320 मीटर, ठीक है। तो 320 मीटर हमारा पेरिमीटर दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर, हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो मान लो कि अगर इसकी एक साइड क्या है, हमारे पास एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द वन साइड ऑफ पार्क इज एक्स, ठीक है। तो पैरामीटर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4 × x हो जाएगा, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ना, 4 × साइड होता है। तो यहां पे पैरामीटर का पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर कितना दे रखा है, 320 मीटर दे रखा है, ठीक है, और ये 4 × x हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320/4 हो जाएगा। तो 4 से इसको कट करेंगे तो 80 आएगा x, 80 मीटर। तो मतलब इसकी एक साइड क्या आ गई यहाँ पे हमारी, 80 मीटर आ गई। अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एक्स कितना है 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एरिया कितना आ जाएगा,
6400 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका स्क्वायर फील्ड का एरिया, ठीक है। स्क्वायर पार्क का एरिया क्या है आपका 6400 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे पेरीमीटर था हमारे पास, तो पेरीमीटर से हमने क्या किया, इसकी साइड निकाली, ठीक है। इसकी साइड यहाँ पे 80 मीटर आई, मतलब एक साइड 80 मीटर है, तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये भी 80 होगी, ये भी 80, ये भी 80, बिकॉज ये स्क्वायर है। तो वहां से हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, जैसे हमें साइड मिली तो फॉर्मूला लगा के क्या आ गया 6400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर प्लॉट हम लेट कर लेते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमेशा ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप रफली क्या कर सकते हो, पहले इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तो एरिया दे रखा है, तो यहाँ पे गिवन जितनी भी गिवन चीजें रहती है उनको यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है। एरिया यहाँ पे दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर, वो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट था, और आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। तो लेंथ कौन सी होती है, ये वाली, तो लेंथ कितना है 22 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें इसका फाइंड द ब्रेथ, तो ब्रेथ हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, तो बी लिख लेते हैं इसको, बी फाइंड करना है, और पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर को पी से शो करते हैं, तो पी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें एरिया दे रखा है और सिर्फ लेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी हमें गिवन है, लेंथ भी हमें गिवन है कितनी है 22 मीटर, इंटू बी हमें फाइंड करना है। तो यहां से बी निकाल सकते हैं हम, ये बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 22 कहां आ जाएगा, 440 के नीचे आ जाएगा, तो 440 अपॉन 22, 22 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 22 टू जा इस तरीके से आएगा, 22 टू जा 44 होता है, तो यहाँ पे 0 भी है, तो क्या आ गया हमारे पास, बी 20 मीटर आ गया। तो मतलब ये बी था हमारे पास, ये कितना आया 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो बी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, अब हमें क्या निकालना है दूसरा, यहाँ पर लिख देते हैं बी की जगह पे 20 मीटर आ गया। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो एल भी हमारा यहाँ पे दे रखा है, बी भी हमने फाइंड कर लिया, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 L कितना है 22 प्लस B कितना है 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22 प्लस 2 कितना होता है 42 हो जाएगा ये, तो 42 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आया 84 मीटर, और हमारा इसकी इसकी विड्थ कितनी आई 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है एक रेक्टेंगुलर शीट का, कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द लेंथ इज, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है हमारा कितना है 100 सेंटीमीटर, एंड लेंथ हमें गिवन है, एल लिखेंगे लेंथ को 35 सेंटीमीटर, और फाइंड हमें क्या क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पे, एक तो इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, तो ब्रेथ को बी से दिखाते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया को ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है हमें
35 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर कितना है? 100 सेंटीमीटर। 2 का 2 रखेंगे, L की जगह पे क्या रखेंगे? 35 दे रखा है हमें, और B की जगह पे हमें B रखना है, क्योंकि B हमें फाइन करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा। ये इस 2 को हमने यहाँ अपॉन में ला दिया, यहाँ पे क्या बचा? 35 + B बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट करके हो जाएगा, ये 50 = 35 + B। ठीक है, अब यहाँ से 35 को इधर कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 - 35। इस 35 को हम यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो B = यहाँ पे कितना बचेगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये B कितना आया हमारे पास? 15 सेंटीमीटर आया है। इसके जगह पे भी 15 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया = कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, वो भी रेक्टेंगल का। ठीक है, तो एरिया = क्या हो जाएगा? लेंथ कितनी है इसकी? 35, और ब्रेथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसका भी दोनों का सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 5, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 × 5 = 75, कैरी 7, 15 × 3 = 45। 45 और 7 कितना होता है? 45 और 7 होता है 52। तो कितना आ रहा है? 525 cm². तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, इसका एरिया कितना आएगा? 525 cm², और इसकी बेड कितनी आएगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, हमारे पास दो पार्क्स हैं, एक स्क्वायर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरह का है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक स्क्वायर पार्क है। तो इन दोनों के एरिया क्या है हमारे पास? सेम बना रखे इसने। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने डबल बार लिख दिया यहाँ पे, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर पार्क की हमें क्या दे रखी है? साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60 मीटर। तो मतलब स्क्वायर की एक साइड कितने की है? 60 मीटर की। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90। और रेक्टेंगुलर पार्क की हमें लेंथ दे रखी है 90 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की क्या करनी है? ब्रेथ यहाँ पे इसको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 है, इसकी साइड क्या है? 60 है, और इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना इसका एरिया, तो इसकी ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है? 90 × B। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क वो कितना होता है? साइड इनटू साइड, मतलब 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, साइड इनटू साइड होता है ना, साइड स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर निकाला था आपको, तो वो क्या होता है? 60 × 60। अब ये दोनों एरिया क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास? इक्वल है। तो 60 × 60 = क्या हो जाएगा? 90 × B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 60 × 60 कितना हो जाएगा हमारा? 3600। 90 को इधर लेके आएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बी, तो ये कितना आ रहा है? 360/9। तो 360 को डिवाइड करना है हमें 9 से, तो 9 4 जा
36 जीरो आएगा और ये वाला जीरो यहां चले जाएगा, तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो b इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है 40 मीटर। ठीक है, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारा कितना आ रहा है 40 मीटर आ रहा है। क्या किया आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है, तो लेंथ हमें गिवन थी, विड्थ हमने ये लिख दी b बिकॉज़ हमें ये निकालनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिखा इसी तरीके से 60 × 60। ठीक है, अब हमारे पास क्या था गिवन, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसका एरिया और इसका एरिया क्या था सेम था, तो इसका एरिया क्या था हमारे पास 90 × b और इसका एरिया कितना था स्क्वायर था 60 × 60। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे बिकॉज ये दोनों क्या है इक्वल है ना एरिया, इक्वल कर लेंगे यहाँ से, फिर 90 को यहाँ अपॉन में लेके आएंगे तो ये रीअरेंज करके जो भी आएगा ये आएगा 40 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।